निश्चित तौर पर झारखंड के छात्र जिस बात को लेकर उठा रहे हैं, आप कोई स्टेट चले जाइए, चाहे बंगाल जाइए, चाहे उड़ीसा चाहिए, चाहे छत्तीसगढ़ चाहिए, चाहे बिहार जाइए, वहाँ पर स्थानीय परिभाषित है। वहाँ के नौजवानों को वहाँ के थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में नौकरी मिलती है। आज जब अभी आज हमारे पास कुछ छात्र आए थे, मैंने पूछा कि भाई थर्ड ग्रेड का मतलब आप क्या समझते हैं, तो उनको उसका जवाब नहीं सूझ रहा था। इसलिए नहीं सूझ रहा था कि आज भी कुछ लोग थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड का मतलब सोचते हैं चपरासी के नीचे। लेकिन आपको मालूम होगा कि जितने टीचर हैं वो थर्ड ग्रेड नौकरी में आते हैं, जितने दरोगा हैं वो थर्ड ग्रेड नौकरी में आते हैं, जितने सिपाही हैं वो फोर्थ ग्रेड नौकरी में आते हैं, जितने सचिवालय कर्मी हैं वो थर्ड ग्रेड में आते हैं। झारखंड की 95% नौकरियाँ थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में है। अगर छात्र यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी की बात को लेकर 60-40 की आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें गुनाह क्या है? सरकार ने वादा किया था, कांग्रेस जेएमएम ने ये भी वादा किया था कि हर सरकार हर घर में एक सरकारी नौकरी देगी। मैंने कहा हर घर में, इन्होंने कहा एक सरकारी नौकरी देगी और प्रति वर्ष 5,000 नौजवानों को नौकरी देंगे। अगर नई नौकरी देंगे तो बेरोजगारी भत्ता जो ग्रेजुएट हैं 5,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। यहाँ ना नौकरी मिला, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना यहाँ के स्थानीय नीति आज तक परिभाषित हुई। आपको याद मैं दिलाना चाहूँगा कि 2014 में जब जेएमएम हेमंत सोरेन जी बीजेपी से अलग हुए थे, तो स्थानीय नीति को परिभाषित करने की मांग को लेकर अलग हुए थे। 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड की जनता ने उन्हें दी, अब तक स्थानीय नीति लागू नहीं कर पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो आंदोलन क्यों? ये तो छात्रों से और यहाँ के झारखंड के भावना जो मूलवासी आदिवासी हैं उनसे पूछना चाहिए कि आज उनको जिस तरह से ऐड आया है कि भारतवर्ष का नागरिक होना चाहिए, तो इसका मतलब है सरकार ने कोई पॉलिसी, आप देखिए पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार ने 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया, उन्होंने 10 साल के लिए जिला को रिजर्व कर दिया, और जब जिला रिजर्व हो गया तो बाहर की तो बात ही अलग है। इसका मतलब कि गुमला जिला का आदमी रांची जिला में नहीं ले पाएगा, रांची जिला का आदमी सिमडेगा जिला में नहीं ले पाएगा, और 10 साल की रिजर्वेशन को भी ये सरकार ने उलटने का काम किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।